भगवान जब वहां रहने लगे तो माता लक्ष्मी को चिंता हुई कि हाय हम अब अकेले कैसे रहें वैकुंठ में। तो उनको लाने का कोई उपाय, नारद जी ने कहा कि अब तो नौकरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, हमारे रहते उनको नौकरी करने की क्या जरूरत है, कौन सी नौकरी कर रहे हैं? बोले वॉचमैन की। हे भगवान, किसी के वॉचमैन ही करनी, ऐसी नौकरी करनी थी उनको? बोले कि मैं देखना चाहती हूँ। बोले चलिए देखना चाहते तो क्या उपाय है? कहा देखो रक्षाबंधन आ रहा है और आप तो जानते हैं भारत में लोग रक्षाबंधन में बहन भाई का पर्व होता है, बलि की कोई बहन नहीं है। बोले तो अच्छा तरीका है, हाथ एक थाली में जो है मिठाई ली, तिलक की सामग्री, एक बत्ती दिया, आरती उतारने के लिए एक फूल की माला ले ली और आ गई सूतल लोक में रोने लगी। तो बलि उधर से गुजर रहा था। बलि ने कहा कि स्त्री रो रही है हमारे राज्य में। उतर के पूछा क्या बात है बहन, क्या बात है बताओ? तो रो के बोली कि मेरा कोई भाई नहीं है, आज मुझे राखी बांधनी है। बोले अरे मैंने तो आपको बहन कहा है, इस नाते मैं भी भाई हो गया और सच में मेरी कोई बहन भी नहीं है, तो मैं आपको राखी बांध दूं? बोले हाँ। बोले यहाँ क्या, चलो घर पे। तो घर लेकर गए, जैसे ही घर में घुस रहे थे तो दरवाजे पर भगवान मिले। भगवान ने पूछा यहाँ कैसे? बोला कि शट अप, डोंट टॉक टू मी, वॉचमैन से बात नहीं करती मैं। अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद वहां बलि ने जो है कहा कि बहन अब कब, तो पूजन किया, तिलक किया, माला पहनाई, राखी बांधी, मिठाई खिलाई, आरती उतारने लगी। इतना खुश हुआ कि ऐसा पहली बार उसके जीवन में हुआ था। कहा कि बहन मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, आज तुम्हें बहुत खुश हो गया, जो मांगना है मांगो। कहा कि पक्का? बोले हाँ, पहले वचन दो। वचन के नाम पर घबरा गए, क्योंकि पहले तीन पग भूमि का वचन दिया था, ऐसा लूटा कि सब ले लिया, अब ये भी वचन ले रही है। उसे सोचा क्या मांगेगी, कुछ धन रुपया पैसा मांग लेगी, उसे क्या पता था। बोले दिया वचन तो भी क्या सोचेगी, बोलो। बोले कि जो आपके वॉचमैन है उससे मेरा विवाह करा दीजिए, मुझे वो पसंद है। बोले तुम है कौन, सच बता। तब वो लक्ष्मी के रूप में आ गई। बोले ओ तभी सोचूं कि सीधे उसी पर अटैक, जिसे पाने के लिए हमने अपना सब कुछ दिया है, तीनों लोक दान करके जिसको हमने प्राप्त किया, तुमने वो मांगा। जा बहन, तू भी क्या सोचेगी, मैं आज उनका भी दान करूंगा जो त्रिलोकी के नाथ थे। कितना बड़ा सौभाग्य, त्रिलोकी के नाथ प्रभु का दान, कितना बड़ा दानी है बलि, दुनिया याद करेगी। और बुलाया और हाथों में हाथ रख के दान कर दिया, संकल्प करके। बहन कहा कि बहन ठीक से पकड़ के लो, अब कहीं छूट ना जाए। जाने लगे, कहा कि इतनी जल्दी क्या है, कुछ दिन यहां रही है, ठीक है। उसके बाद जो है ये सावन पूर्णिमा पर यह घटना घटी थी। उसके बाद वहां से लेकर देवोत्थान एकादशी पर्यंत जो है भगवान वहां रहे। फिर वहां गए तो देवताओं ने वहां देव दीपावली पूर्णिमा को मनाई और बोले कि फिर आपके बिना मैं कैसे रहूं। तो भगवान ने फिर 4 महीना ब्रह्मा जी को और 4 महीना शंकर जी को नियुक्त किया। इस प्रकार 12 महीना में कोई न कोई वहां सुतल लोक में रहता है। हरि शयनी से देवोत्थान एकादशी पर्यंत हमारे ठाकुर जी वहां रहते हैं सुतल लोक। ये परंपरा, वहां जाते हैं तो हरि शयनी हो जाती है। अब धरती पर कोई शुभ कार्य, शादी विवाह आदि नहीं होता है।